आप देख रहे हैं रियल न्यूज हरियाणा। नमस्कार दोस्तों, मैं करण सिंह समैन और आप देख रहे हैं रियल न्यूज हरियाणा। आज कांग्रेस ने अपना चुनावी जो मैनिफेस्टो था वो जारी करते हुए चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर जो घोषणाएं हैं वो पहले भी 10 साल जो कांग्रेस रही थी उस समय भी वही घोषणाएं थी। अब हम आपको बता रहे हैं कि जो आज मैनिफेस्टो कांग्रेस ने जारी किया है उसके अंदर जो जो घोषणाएँ कांग्रेस सरकार ने की हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र जारी करने के बाद गुलाम नबी आज़ाद, कुमारी शैलजा, पूर्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किरण चौधरी, पवन बंसल इत्यादि लोग मौजूद रहे। कांग्रेस का हरियाणा के लिए घोषणा पत्र जो इस प्रकार है, काम में कांग्रेस हीरो पर पब्लिसिटी में जीरो मिली है। अभी तक हरियाणा कांग्रेस घोषणा पत्र में गरीब किसानों को लेकर जो चुनाव प्रचार में कांग्रेस उतरी है उसके अंदर कांग्रेस सरकार ने कहा है कि गरीब किसानों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी और हरियाणा कांग्रेस जो एससी जाति के लिए एससी कमीशन का पुनर्गठन किया जाएगा। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर कहा है कि किसानों का जो कर्ज है वो पहली कलम से 24 घंटे के अंदर माफ़ किया जाएगा और जो भूमिहीन किसान हैं उनका भी जो कर्ज है वो बिल्कुल माफ़ किया जाएगा। किसान मजदूर गरीब का जो बैंक का कर्ज है 24 घंटे के अंदर माफ़ किया जाएगा और 300 यूनिट जो बिजली है वो माफ़ की जाएगी, फ्री में दी जाएगी और उससे जो ऊपर जो बिजली खर्च होगी उसके अंदर आधा रेट लगाया जाएगा। गरीबों को जो 100-100 गज के प्लाट व मकान के लिए 1.5 लाख की राशि दी जाएगी। कर्मचारियों का जो 7वां वेतन आयोग व नई नीति के तहत पेंशन दी जाएगी। एक परिवार में एक रोज़गार सुनिश्चित किया जाएगा। सभी तरह की पेंशन है जो 5100 रुपये प्रति माह किया जाएगा। एससी एसटी जो छात्रों को हर महीने 12,000 का वजीफा, हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज व यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। नशा तस्करी को रोकने के लिए विशेष एसटीएफ के जो गठन है वो किया जाएगा। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए व्यापार आयोग का गठन किया जाएगा। सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। हरियाणा रोडवेज में महिलाओं को मुफ्त में यात्रा दी जाएगी। एससी जो एससी जाति के लिए एससी कमीशन का है जो वो पुनर्गठन किया जाएगा। गर्भवती महिलाओं को बच्चे के जन्म तक 3500 रुपये प्रति माह और बच्चा 5 साल का होने तक 5000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। स्नातकोत्तर बेरोजगारों को 7000 रुपये स्नातकोत्तर को और 10000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उन कांग्रेस सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में पत्रकारों के लिए बहुत बड़ा जो है वो घोषणा पत्र में रखा है। पत्रकारों के लिए बस किराया व टोल माफ़ी और 20000 रुपये के जो पेंशन है वे कैशलेस इलाज की सुविधा भी पत्रकारों को दी जाएगी। इसी मैनिफेस्टो के साथ कांग्रेस सरकार अब हरियाणा के अंदर चुनाव के मैदान में उतरी है। अब देखना होगा कि इस मैनिफेस्टो के तहत जो कांग्रेस सरकार है वो कितना लोगों हरियाणा के लोगों को अपनी तरफ रुझा पाती है। तो आप देखते रहिए रियल न्यूज़ हरियाणा। हरियाणा का सबसे